नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया जीके के क्वेश्चन, जो कि राजस्थान पुलिस की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो पहले भी बना चुका था, जिसमें मैंने 117 क्वेश्चन दिए थे। और दोस्तों, आज बचे हुए सभी क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो आज 118 से यार 117 का जो वीडियो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का मैं आपको नाम बता दूं, राजस्थान पुलिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो वहां पर जाकर आप देख ले, वहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया जीके, ठीक है, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स, और मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, रीजनिंग, ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है ना, जो सभी वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन आप पीडीएफ तो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है ना, ये मुझे कितने जलमार्ग है राष्ट्रीय, तो 6। ठीक है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों गोवा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई देश का सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन शायद आपको बनाने आते होंगे मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने कम टाइम लगे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके लिए प्रॉपर वैसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कर सकूं आपसे। ठीक है ना, वो नहीं है मेरे पास टाइम। भारत का दूसरे सबसे बड़ा व एशिया का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह कौन सा दोस्तों, कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है। दोस्तों, इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आप मान के चलिए। तो आप दोस्तों यदि 300 क्वेश्चन याद करते हैं, उनमें से 15 आते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है ना, एक बार देख लेंगे तो वहां पर ऑप्शन होंगे, जरूर क्लिक कर देंगे आप। कोलकाता बंदरगाह पर पोताश्रय डायमंड हार्बर है। ठीक है ना, वहां पर कौन सा पोताश्रय डायमंड हार्बर नाम है इसका, जो कोलकाता में है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है, जो कि दोस्तों क्या है, कृत्रिम है, यह है निगमित बंदरगाह। दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि भारत का एकमात्र निगमित बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन बंदरगाह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अरब सागर की रानी या अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे कोचीन बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, में सबसे बड़ा जलयान निर्माण उद्योग है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, यह पिछले 7 वर्षों में देश का सबसे बड़ा आयात निर्यात करने वाला पोताश्रय बना। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह राष्ट्रीय मार्ग 17 द्वारा मुंबई कन्याकुमारी से जुड़ा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। विंजीजम केरल बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय बहुद्देशीय गहन जल समुद्री बंदरगाह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, करंट जीके से रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए आप इसको जरूर याद करें। 2 नए बंदरगाह पश्चिम बंगाल के सागर में तथा आंध्र प्रदेश के दुर्गा राजपट्टनम में प्रस्तावित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट से रिलेटेड है, इसलिए जरूर याद कर लें। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में। देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए हैं, लेकिन इनसे बाहर जाने की कम ही संभावना है। रेल मार्गों की सर्वाधिक सघनता दोस्तों किस देश में, तो यह है जापान में। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे है दोस्तों। रेल लाइनों की अधिकतम संख्या यदि भारत में हम देखें, तो उत्तर प्रदेश में अब 2 नंबर पर राजस्थान आता है। तो दोस्तों शायद आपसे राजस्थान का पूछ लेगी रेलवे लाइनों की संख्या के आधार पर राजस्थान कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर, पहले पर कौन रहा है, यूपी। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम निजी मेट्रो 14 नवंबर 2013 को हरियाणा के गुड़गांव में चली। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, विश्व धरोहर सूची में शामिल, इनको आप अच्छी तरह से तरीके से याद कर लें, ये काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, किलों वगैरह से रिलेटेड है, वो भी आप याद कर लें, अभ्यारण्य है जैसे। 2005 को नीलगिरी रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2008 में कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। शायद आगे देखिए दोस्तों, देश की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जो कि दोस्तों 25 जून 2013 को निर्मित हुई। ठीक है ना, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बारामूला भारतीय रेल का उत्तर भारत में अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो भारतीय रेल का उत्तर भारत में अंतिम स्टेशन कौन सा है, तो आप कहेंगे बारामूला। विश्व के सबसे सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सड़क राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग का विश्व के प्रमुख महामार्गों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।
पेन एम हाईवे अमेरिका में है दोस्तों, यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, भारतीय रेल 4 आयामों में संचालित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन भी बोलते हैं, इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ठीक है, मीटर गेज या छोटी लाइन की चौड़ाई होती है 1 मीटर, नैरो गेज या संकरी लाइन की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर, और एक होता है दोस्तों लिफ्ट गेज 0.610। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इन्हें कंठस्थ कर लें। ठीक है, और ज्यादा चांसेस मैं आपको बता दूंगी दोस्तों, ऊपर वाले 3 है इनके आने के, इसका थोड़ा कम चांस है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला ग्रीन स्टेशन मनवल जम्मू उधमपुर रेलखंड पर स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वायु परिवहन सर्वाधिक महंगा परिवहन दोस्तों, आपको पता होगा एरोप्लेन का टिकट कितना महंगा होता है, इसलिए वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है, क्योंकि जो वो होती है ना हवाई जहाज, ठीक है ना, एरोप्लेन, ये एक बार में जितना पेट्रोल खर्च करती है ना, ठीक है ना, उससे 200 वर्षों तक एक कार चलाई जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, तो खर्चा ज्यादा ही होगा, इसलिए यह सबसे महंगा परिवहन। वर्तमान युग को हवाई युग भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मुंबई कोलकाता हांगकांग टोक्यो वायु मार्ग विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। देश की वायु परिवहन संस्थाएं, ठीक है, तो भारत की कौन सी दोस्तों, एयर इंडिया इंटरनेशनल, जर्मनी के लुफ्थांसा, सोवियत संघ के एरोफ्लोट, अमेरिका के पान अमेरिकन एयरवेज। दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन है, टीडब्ल्यू ग्रेट ब्रिटेन के VOAC, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद करें। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आधिकारिक रूप से प्रथम समकर्मिक जनगणना 1881 मानी जाती है दोस्तों। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो WW Plowden थे। जनगणना 2011 भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम भारत की, अब ये पूछेंगे वो आपसे क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना भारत की कितनी जनगणना थी, तो आप कहेंगे 15वीं, और स्वतंत्र भारत के बाद में कितनी जनगणना है, तो 7वीं, ठीक है ना। वर्ष 2011 की जनसंख्या गणना का शुभंकर क्या था दोस्तों, प्रागणक शिक्षिका। स्वतंत्र के बाद प्रथम जनगणना 1951 में, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था दोस्तों 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य है। 2011 जनगणना का, सॉरी नेक्स्ट, श्री चंद्र मौली के निर्देशन में 2011 जनगणना हुई, तो ये पूछा जा सकता है कि किसके निर्देशन में, श्री चंद्र मौली के निर्देशन में। भारत का वर्ष 2011 का लिंगानुपात 9.43 है दोस्तों, जो कि 1971 से अब तक का सर्वाधिक है, ठीक है ना। भारत की विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, क्योंकि दोस्तों भारत अपने आप में परिपूर्ण है, इस कारण से इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी देशांतर का अंतर कितना दोस्तों, 28 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, और 2 नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक सीमाओं से घिरा है बांग्लादेश से, 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला गोवा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची या सर्वोत्तम चोटी बोल सकते हैं हम, डोडा बेटा। सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान MP में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कच्छ रिजर्व है दोस्तों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल भारतीय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, एक सींग वाले भारतीय गैंडों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है नामदफा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तीर्थ अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स को वर्ष 2012-13 में देश का 45वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मुकुंदरा हिल्स दोस्तों कहाँ पर स्थित है, कोटा में, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18। पन्ना मध्य प्रदेश नवीनतम व भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर है। नीलगिरी सुंदरवन मन्नार की खाड़ी नंदा देवी को विश्व नेटवर्क पर यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे, अब मैं आगे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम, इतना डेटा नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बड़े बड़े वीडियो दे पाऊँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इन सभी का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे भी देख लेंगे साइड से आप, कि ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं दोस्तों मेहनत करके, ठीक है ना। तो आराम से देख लीजिए इन्हें, इंडिया जी के क्वेश्चन दोस्तों, 15 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक।
एक बार यदि आप इन 300 क्वेश्चनों को याद करते हैं तो उसके बाद में आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए आगे के क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे आपको, ये ऊपर से दिख गए आपको। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इतने हैं तो 292 यानी 292 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये बनाए हैं, और इनमें से निश्चित क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे दोस्तों, पक्का भरोसा रखिए बस अपने आप पर। ठीक है ना, तैयारी कीजिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी। ठीक है ना, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है, अभ्यास ही सबसे बड़ा देवता है। ठीक है ना, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको ये बताया। अब दोस्तों आप मुझे ये बताएं, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं तो कैसा रहेगा? शायद मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को बार बार नहीं देख सकते लेकिन पीडीएफ को जरूर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी आशा के साथ, शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और दोस्तों सदाव हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।